नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक द। जी हाँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर द का यूज़ कहाँ पे करते हैं कहाँ पे नहीं। तो वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा नोट्स मुझे मिला है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं द द का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं और द का यूज़ कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो दो पेज में यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपकी क्लास होने वाली है, आपका कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिए लाइक, ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक वीडियो लाते रहूँगा। सबसे पहले देखते हैं द का प्रयोग कहाँ पे करना है, वेयर टू यूज़ द। तो देखिए द का यूज़ कहाँ पे करना है। सबसे पहले द का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे विथ यूनिक पीपल या फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि यूनिक लोग। यूनिक लोग यानी जो हर कोई नहीं होता, कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं, कुछ विशेष लोग होते हैं, उनके साथ द लगाया जाता है। या कुछ यूनिक वस्तु हो, या फिर वस्तु वस्तु से हमारा संबंध है, ग्रह नक्षत्र या कोई चीज जो यूनिक हो सॉरी, तो वहां पे हम क्या करते हैं द का यूज करते हैं। जैसे कि जो एक ही है, जैसे द सन, सन यानी सूरज। अब हमारे वैसे तो बोलते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मांड में सूरज है, लेकिन हम उतने डीप में नहीं जाते, हमें कितना सूरज दिखाई देता है, हमें तो एक ही सूरज दिखाई देता है, यानी हमारे लिए एक ही है। तो हम द सन, द अर्थ, यानी कि जो भी ग्रह नक्षत्र है उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। द सन एक है सूरज, तो द सन, द अर्थ एक धरती है हमारे लिए, द पृथ्वी एक है, द अर्थ, द मून चंद्रमा एक है हमारे लिए, मतलब हम चंद्रमा एक ही है हमारे, तो द मून, तो इनके साथ द लगेगा, द सन, द अर्थ, द मून। उसी प्रकार से द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी होते हैं राष्ट्रपति या फिर अध्यक्ष कोई, तो ऐसे तो नहीं बहुत सारे राष्ट्रपति हमारे देश में, तो उसके साथ भी, और वैसे भी यूनिक पर्सन होते हैं, ऐसे आम आदमी तो है नहीं, प्रेसिडेंट यानी यूनिक होते हैं, विशेष होते हैं। द प्रेसिडेंट, द सीईओ, ये अपने क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य होते हैं, चीफ होते हैं, तो उसे हम द वहाँ पे हम लगाते हैं, मुख्य होते हैं वो। द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया जो है, दुनिया, तो ये भी विशेष है। द स्काई, स्काई यानी आसमान, बहुत सारे आसमान तो है नहीं, वो एक ही आसमान है, अलग अलग जगह हमें भले दिखते हैं लेकिन आसमान तो वही है, तो द स्काई ये एक ही है दुनिया में। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये यूनिक पीपल या फिर ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। और ज़्यादातर ऐसे बोल सकते हैं तारे वारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सबके साथ द का यूज़ होता है, क्लियर। दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए, एडजेक्टिव को जो बताता है होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी पूरे जो लोग हैं उसके ग्रुप को बताता है। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे वो जवान लोग, अच्छा बूढ़े लोग, तो वो क्या होता है ग्रुप को बताता है, अच्छा अमीर लोग, गरीब लोग, तो ये तो अमीर गरीब, गरीब क्या है, कोई एक आदमी अमीर है कोई एक आदमी गरीब, ऐसे तो नहीं है, वो उनके एक पूरे ग्रुप को बताता है कि अमीर लोग गरीब लोग इस प्रकार से। तो देखिए द ओल्ड, ओल्ड यानी होता है बूढ़ा, तो बूढ़े लोगों के बारे में बात हो रही है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, बूढ़े हैं, तो द ओल्ड। उसी प्रकार द यंग, जवान लोग हैं, तो वहाँ पे द यंग ऐसे बोलेंगे। द रिच, अमीर है तो द रिच, द पुअर, पुअर यानी गरीब, और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे हम कुछ जाति का बोध कराते हैं, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और किसमें द का यूज़ करते हैं, विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स यानी होते हैं स्मारक, संग्रहालय, तो प्रसिद्ध भवन, बिल्डिंग, संग्रहालय, म्यूजियम जिसे कहते हैं, स्मारक को मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। तो इनके साथ जैसे संग्रहालय हो गया, बहुत फेमस फेमस जो बिल्डिंग है, भवन यानी आप समझ गए, बिल्डिंग या फिर जिसे जैसे आपको एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको समझ आ जाएगा, उनके साथ द का यूज़ करते हैं। जैसे द ताजमहल, अब ताजमहल आप सभी को पता है कि ये अजूबों में, सात अजूबों में एक है, तो द ताजमहल ये नॉर्मल बिल्डिंग तो है नहीं, विशेष है, फेमस है, तो उसके साथ द लगा है। द कुतुब मीनार, ये भी देखिए फेमस है, तो द का यूज़ हुआ। द लाल किला, द एफिल टावर, उसी प्रकार से देखिए द ग्लोब, तो ये सभी क्या है, विशेष है, यानी कि प्रसिद्ध भवन है, संग्रहालय है जहाँ पे होता है, स्मारक है। ग्लोब जो, एफिल टावर जो है, ये क्या है, एक स्मारक है। एफिल टावर तो कोई बिल्डिंग है नहीं, लेकिन वो अपने जो स्टील से बना हुआ एक टावर बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, प्रसिद्ध है। एफिल टावर आप सभी को पता है इतना प्रसिद्ध है, तो ये जो भी प्रसिद्ध स्मारक है उसके साथ क्या लगता है, द का यूज होता है। जैसे कि आपको ये सब एग्जांपल दिया हूं मैं, विशेष जो प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं हम नीचे, विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑन एन एडजेक्टिव, किसी विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री यानी उसका जो थर्ड पर्सन होता है किसी विशेषण के, ठीक है। अब विशेषण क्या होता है, किसी के क्वालिटी जो बता रहा है, ऊंचा है, लंबा है, गोरा है, ये सभी उसका क्वालिटी बता रहा है, तो उसके साथ थर्ड जो उसका फॉर्म होता है, सुपरलेटिव डिग्री जिसे कहा जाता है, तो द का यूज होता है। जैसे द हाई, नहीं द हाईएस्ट, तो यहाँ पे द का यूज हो रहा है। द मोस्ट,
द लोवेस्ट, लो यानी कम होता है, लेकिन इसके थर्ड जो फॉर्म होता है लोवेस्ट इसे कहा जाता है, उसके साथ द का यूज होता है। द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, देखिए यंग का यंगेस्ट हो गया, तो वहां पे देखिए द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द पुअरेस्ट, इस प्रकार से द रिचेस्ट ये होगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, द का यूज करते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म जो हो गया सुपरलेटिव डिग्री से कहा जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद देखिए द ऑर्डिनरी नंबर्स, ऑर्डिनरी सॉरी यहाँ पे द ऑर्डिनरी नंबर, ऑर्डिनरी नंबर यानी होता है क्रमवाचक संख्या, यानी जो ऊपर बढ़ता है या फिर नीचे घटता है, तो क्रमवाचक कहते हैं क्रम से। जैसे कि द लास्ट चैप्टर, तो द का यूज करेंगे लास्ट चैप्टर, चैप्टर जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ऐसे यूज करते हैं जहां पे हम संख्या का यूज करते हैं क्रम का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उसके साथ भी द का यूज करते हैं। जैसे कि द लास्ट चैप्टर, लास्ट, तो हम द का यूज किए। फिर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहला टाइम, तो ये भी समय है, पहला, दूसरा, लास्ट। उसके बाद देखिए द सेकेंड ओकेशन, सेकेंड, तो दूसरा, ये भी क्रम है, देखिए लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, तो द यूज करेंगे। द सेकेंड ओकेशन यानी दूसरा मौका, जैसे द थर्ड मेंबर्स, द थर्ड मेंबर, थर्ड, तो देखिए जहां पर भी आपको लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इस टाइप के क्रम दिख रहे हैं आपको, तो वहां पर आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जिन देशों के नाम में किंगडम, स्टेट्स या फिर रिपब्लिक आए, क्लियर है, जिनके भी, जैसे हमारे देश, हमारे देश को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, हिंदी में हम भारत कहते हैं, और बाकी जो दूसरे देश हो गए जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, लेकिन जिनके नाम के आगे, जिनके देश के नाम के आगे इस प्रकार से हो, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट हो, किंगडम हो, रिपब्लिक हो, तो उसके आगे हम द लगाते हैं। ठीक है, देश के आगे द नहीं लगाते हैं, लेकिन जिन देश के आगे यूनाइटेड या फिर किंगडम, रिपब्लिक ऐसे हो, तो फिर द का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ, इसलिए द का यूज किए। द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उसी प्रकार से द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो देखिए जिस देश के आगे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे कहते हैं, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ, और बहुत सारे देश के नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो जो होते हैं जिसके साथ ये सभी यूज होते हैं, तो हम उसके साथ द का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए विथ रिवर, कैनल्स एंड ओशियंस, यानी नदी, नहर व सागरों के साथ, तो रिवर यानी नदी, कैनल्स यानी होते हैं नहर, और ओशियन यानी होते हैं सागर। ठीक है, सागर, तो जैसे द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, तो नदी के नाम है तो उसके साथ द का यूज होगा। द नील, ये फॉरेन के नदी है। उसी प्रकार से द अटलांटिक, अटलांटिक क्या हो गया आपका, ये आपका महासागर हो गया। द पैसिफिक, पैसिफिक भी एक महासागर का नाम है। द हिंद महासागर, तो देखिए जो भी महासागर के नाम है, नदी के नाम है, नहर के नाम है, तो उनके साथ भी द का यूज होता है। केवल आप गंगा नदी, सॉरी गंगा रिवर ऐसे नहीं बोलते, द गंगा रिवर, द नर्मदा रिवर, इस प्रकार से द का यूज आप करेंगे प्रसिद्ध जो नदी है या फिर नदी है समुद्र के नाम के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए उन देशों के साथ जिनके नाम बहुवचन हो, यानी अंत में एस लगा हो। अब ऐसे तो नहीं हमारे देश में इंडियास या चाइनास, जापान्स ऐसे तो नहीं बोलते, इंडिया, जापान, चाइना, अमेरिका ऐसे बोलते हैं, तो उनके साथ वहाँ पे द नहीं लग रहा है, लेकिन जिनके नाम के लास्ट में आप एस देखेंगे, एस मतलब प्लूरल, बहुवचन जब बनता है, जैसे द नीदरलैंड्स, ठीक है, द नीदरलैंड्स, लैंड्स, नीदरलैंड बस नहीं बोल रहा, नीदरलैंड्स, तो द लगेगा। द फिलीपींस, फिलीपींस, तो एस लग रहा है, फिलीपींस, केवल द फिलीपीन नहीं बोल रहे, फिलीपींस, तो ऐसे जो देश के नाम है उनके साथ भी द का यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिफोर द वर्ड ओनली, यानी कि यदि कोई जो द का यूज ओनली से पहले केवल तब किया, जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो। ठीक है, जब कोई हम वाक्य पढ़ रहे हैं या फिर कोई शब्द है जहां पे ओनली का यूज हो, ओनली, ओनली यानी केवल एक, जैसे इकलौता भाई हो, इकलौता बहन हो, तो वहाँ पे जब ओनली का यूज होता है तो वो जो ओनली है उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द ओनली सन, केवल इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, इकलौता का यूज हो रहा है तो फिर हम द का यूज करेंगे। वैसे द ओनली फ्रेंड, इकलौता दोस्त, एक ही दोस्त है जिसे ओनली कहते हैं, केवल, सिर्फ, सिर्फ भी कहते हैं, सिर्फ एक बेटा,
इकलौता भी कहते हैं उसी प्रकार से। तो द द ओनली बैट्समैन, केवल एक ही बैट्समैन, सिर्फ एक बैट्समैन बचा है या फिर इकलौता बैट्समैन बचा है जो मैच जिता सकता है। तो देखिए जहां पे द ओनली का यूज हो रहा है, जो इकलौता जिसका मतलब होता है, तो द का यूज करते हैं। अब आगे और देखते हैं, द का प्रयोग होल से पहले व ऑल के बाद होता है। होल कहीं पे लिखा है तो उसके पहले भी हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, या कहीं पे ऑल लिखा है तो उसके बाद भी हम द का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ बहुत अच्छा, आई एम रीडिंग होल बुक, ऐसे दिया तो ये गलत हो गया क्योंकि होल के पहले हमें द का यूज करना लिखा हुआ है, होल के पहले और ऑल के बाद। तो होल के पहले द है क्या, नहीं है, तो ये जो फर्स्ट वाला क्या हो गया आपका, देखिए इनकरेक्टली लिखा हुआ, इनकरेक्ट है ना, गलत, तो ये सही नहीं है। सही कब होगा, जब होल के पहले द लगा है। आई एम रीडिंग द होल बुक, होल यानी होता है पूरा, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, द होल बुक पूरी पुस्तक, मैं पूरी पुस्तक पढ़ रहा हूँ या फिर पूरी किताब मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए होल के पहले द लगता है। उसी प्रकार से देखिए ऑल के बाद बोल रहा है, तो यदि ऑल के बाद आप द नहीं लगाते, ऑल बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, देखिए यानी कि गलत हो गया आपका। ऑल बुक नहीं आएगा, ऑल द बुक्स आएगा, तो ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, केप्ट यानी रखा हुआ है, यानी कि सभी पुस्तक सभी किताबें टेबल पर रखा हुआ है। और तो यहां पे देखिए आप, क्लियर हो गया आपको, होल के पहले आपको द लगाना, कहीं पे भी होल का यूज हो रहा है तो उसके पहले द लगाना है, और ऑल कहीं पे लिखा है उसके आगे आपको द लगाना है, तो ये वाला एग्जांपल। उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपको इन सभी के आगे आपको द का यूज करना है। उसी प्रकार से जो महान ग्रंथ होते हैं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन मुझे उसके बारे में जानकारी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे और भी बहुत सारा दिया हुआ है, इसे भी देख लेते, ये वाला छूट गया था मेरे ख्याल से। विद द नेम ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज यानी परिवारों के नामों के साथ, यानी कि परिवार यानी होते हैं सरनेम वाले नाम होते हैं, जैसे कि आप देख खान ब्रदर्स बोलते हैं, है ना, या फिर शर्मास फैमिली बोलते हैं, शर्मास, या फिर राजपूत। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, जिनके नाम सरनेम के आगे जो परिवार के नाम होते हैं उसके साथ भी द लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ है द रानास, यानी राणा की फैमिली है तो द रानास, द शर्मास, द वर्मास, तो इस प्रकार से द लगता है। द खांस, द रावत, तो रावत जो सरनेम होंगे रावत, द गुप्तास जो गुप्ता फैमिली होगी, तो उसी प्रकार द जैक्सन्स, जैक्सन्स फैमिली होगी, तो इस प्रकार से क्या होता है, उनके साथ द का यूज करते हैं, सरनेम जो है तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं, परिवार वाले यदि हैं तो। फिर ये क्लियर हो गया, अब ये तो आपको बता दिया था मैं ओनली वगैरह, तो ये छूट गया था। उसके बाद अब देखते हैं, अब उसके बाद एक और छूट गया था जो इसमें नहीं दिया हुआ है, वो आपका है कि जो भी महान ग्रंथ होते हैं तो उसके साथ भी हम द लगाते हैं धार्मिक ग्रंथ के नाम के आगे, जैसे कि द महाभारता है ना, तो द महाभारत जिसे कहते हैं, द रामायणा, इंग्लिश में रामायणा ऐसे बोलते हैं लेकिन रामायण, द रामायण, द महाभारत, द गीता, उसी प्रकार से जैसे और भी हैं उर्दू के हैं, द कुरान, द बाइबल है ना, द गुरु ग्रंथ साहिब। तो देखिए इतने सारे बहुत सारे, जो भी किसी का नाम छूट गया हो तो मुझे ध्यान नहीं है इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए कितने सारे जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके नाम के आगे भी द लगाया जाता है क्योंकि यूनिक होते हैं, ऐसे तो नहीं बहुत सारा रामायण है बहुत सारे ये है, तो जो विशेष जो है धार्मिक ग्रंथ है उनके साथ भी द का यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं द का प्रयोग हमें कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे करना चाहिए, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो द का प्रयोग किसी बीमारी के पहले नहीं करना चाहिए, जैसे कि लिखा हुआ है ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, तो फीवर एक बीमारी यानी बुखार है, उसके साथ द का लगा है, इनकरेक्ट है, ये गलत है, आपको केवल बोलना ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, या फिर ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम कफ, यानी कि कोई भी बीमारी का नाम हम ले तो रहे हैं लेकिन द कफ, द कैंसर, द टीबी, इस प्रकार से बीमारी के नाम के आगे द का यूज नहीं करना है, ध्यान दीजिए कहाँ पे नहीं करना है, क्लियर। उसके बाद देखिए द का प्रयोग किसी देश से पहले नहीं किया जाता है, अभी आपने देखा सर आपने इतने देश के नाम के आगे द बताया, तो मैंने कंडीशन बता दिया था जिसके आगे यूनाइटेड स्टेट लिखा हो है ना, और बहुत सारे वहाँ पे आपको रिपब्लिक लिखा हो तो उसके आगे आप द का यूज़ करेंगे उन देशों के नाम के आगे, लेकिन नहीं लिखा है या फिर जिसके आगे एस वगैरह नहीं है, प्लूरल नहीं है, बहुवचन नहीं है, तो वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ पे इंडिया करके, तो आई लिव इन द इंडिया, तो द इंडिया बोलेंगे तो आप ये गलत हो जाएगा, और वहाँ पे रिपब्लिक इंडिया होता मान लो तो तब द लगाते, लेकिन रिपब्लिक इंडिया तो नहीं है हमारा, तो इंडिया है केवल, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। आई लिव इन इंडिया, तो ये सही हो गया, आई लिव इन द इंडिया, आई लिव इन द इंडिया, तो वो आपका गलत हो जाता, आई लिव इन द इंडिया, ये गलत हो गया, आई लिव इन इंडिया ये सही है, तो क्लियर हो गया। इसी प्रकार से कोई बोलता है कि आई लिव इन जापान है ना, जापान में कोई रहता है, आई लिव इन जापान, तो आई लिव इन जापान सही होगा, आई लिव इन द जापान बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा।
देश के नाम के आगे द नहीं लगेगा। और देखिए द का प्रयोग किसी भाषा के आगे नहीं किया जाता है। आई स्पीक द हिंदी, ये गलत हो गया। ये आप बोलेंगे आई स्पीक द उर्दू, गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे आई स्पीक द संस्कृत, गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे आई स्पीक द इंग्लिश, गलत हो जाएगा। आपको द नहीं लगाना है कोई भी भाषा के आगे, केवल आपको आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक संस्कृत, आई स्पीक तमिल, आई स्पीक तेलुगु, आई स्पीक जो भी आपका लैंग्वेज है पंजाबी या फिर आपके जो भी भाषा है बंगाली वगैरह, तो आप वहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे, भाषा के आगे द नहीं लगेगा। तो देखिए इनकरेक्ट क्या है, गलत है ये, द का यूज नहीं करना है क्योंकि नहीं वाला पढ़ रहे हैं। और किस साथ नहीं करना चाहिए, द का प्रयोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के पहले नहीं किया जाता है। अब ब्रेकफास्ट क्या होता है आपको बताया, तो ब्रेकफास्ट यानी होता है जो नाश्ता हम करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। लंच यानी होता है दोपहर का खाना, डिनर यानी होता है जो हम रात का खाना या फिर शाम का खाना जिसे कहते हैं। तो ये हो गया, तो उसके ना उसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि इनकरेक्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई हैड द ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे लिखा हुआ है। लंच के पहले भी द नहीं लगाना है, डिनर के पहले भी द नहीं लगाना है, तो ये गलत हो गया। आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, तो ये गलत हो गया। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, ये आपका सही हो गया कि मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया कब, 7 बजे, 7 o'clock यानी 7 बजे मैंने ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता कर लिया सुबह के 7 बजे। फिर देखिए इसी प्रकार से यदि होगा, डिनर होगा, लंच होगा, तो द लंच या फिर द डिनर ऐसे नहीं बोलेंगे। अब देखिए द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले नहीं किया जा सकता। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी होता है कोई व्यक्ति का नाम या फिर कोई जगह का नाम, तो उसके आगे हम द का यूज नहीं करते। जैसे द राम, द दिल्ली, द बॉम्बे, द इंडिया या फिर द राहुल, द रायपुर, द बिलासपुर। तो किसी भी नाम जो है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो चाहे किसी जगह का नाम हो, आप उससे आगे द का यूज नहीं करेंगे। द बॉम्बे, द कोलकाता, इस प्रकार से आप क्या द का यूज नहीं करेंगे। तो ये सभी आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे हमें द का यूज करना है कहाँ पे नहीं। और एक बार अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, आप नोट बना के रखेंगे बहुत अच्छी बात है, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं जहाँ जहाँ पे मैंने पढ़ाया उसका। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद है, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, नए नए नोट्स आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा और आपके जो बहुत काम आने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।